इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये गरीब है तो ये नहीं पढ़ सकता है, ये अमीर है तो ये नहीं पढ़ सकता, ये छोटा है तो ये नहीं पढ़ सकता है, ये नीच जाति है तो ये नहीं पढ़ सकता है, वो छोटा जाति है तो ये वो नहीं पढ़ सकता है, वो दलील है तो वो नहीं पढ़ सकता है, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में, इस्लाम एक शांति का मजहब है, एक इंसानियत का मजहब है, एक भाईचारा का मजहब है, एक है अल्लाह, एक है भगवान, एक है रब, एक है खुदा, एक है एक ईश्वर की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करो, एक भगवान की इबादत करो, एक रब की इबादत करो। सच के साथ बेबाक अंदाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपालु रहमान और रहीम रहीम है। मेरा नाम विवेक रंजन सिंह है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, जिला किशनगंज है, भाया बहादुरगंज है, पोस्ट बिशनपुर, पंचायत लौचा, विलेज बैसा। हमें इस्लाम की बहुत दिन से खोज था, सत्य रब की बहुत दिन से खोज था हमें, और हम जो पहले जो हम गैर मुस्लिम में थे तो 33 करोड़ ही देवी देवता का पूजा करते थे, लेकिन हमारा दिल में चैन नहीं मिलता था, सुकून नहीं रहता था, हमें परेशानी लगा रहता था, अजीब अजीब किस्म का घबराहट होता था और परेशानी होता था। तो मैं तीन इस्लाम को बहुत दिन से चाहता था और खोजता भी था इसे, और सच्चा रब खोजता था, मेरा दिल में इरादा था कि हमें सच्चा रब कब मिलेगा। तो हमें दिल में खोज रहता था, हमारा दिल में हमेशा हम खोजते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इस्लामी सेंटर में गया और हमें इब्राहिम भाई दावत दिया, हमें इब्राहिम भाई हमें समझाया, और हमने इब्राहिम भाई को बोले कि इब्राहिम भाई आप हमें सही मार्ग दिखाए और सही रास्ता दिखाए, हम इसी रब का हमें तलाश था, इसी धर्म का हमें तलाश था, क्योंकि हम सुनते थे पहले कि इस्लाम एक शांति का मजहब है, एक इंसानियत का मजहब है, एक भाईचारा का मजहब है। तो आज हमारा बात सही हो गया, आप सही साबित कर दिए हमें, और हमारा दिल में अभी हमें सुकून आ गया, हमें सुकून मिल गया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें हिदायत दिया और इब्राहिम भाई हमें कलमा पढ़ाए, उसके बाद इब्राहिम भाई हमें हज भी कराए, उमरा भी कराए, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा नाम अहमद है, हमें इस्लाम में आए हुए 1 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम हमदो बयान नहीं कर सकते अल्लाह सुबहान तला का, हम अल्लाह सुबहान तला का शुक्र गुजार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी इतना अमन चैन है, हमारे दिल में इतना सुकून है, इतना शांति है कि इसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। हमारा दिल में इतना शांति है, इतना सुख है, इतना अमनो चमन है। और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा प्यारा नबी है और हमारा आखिरी पैगंबर है। हम एक अल्लाह पर ईमान लाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और कुरान मजीद पर ईमान लाया, अल्लाह सुबहान तआला हमें हिदायत दिया, हमें ईमान दिया, हमें मुसलमान बनाया,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं, और अल्लाह सुबहान तआला की कृपा से मैं हज भी किया, उमरा भी किया। इसमें हमारा एक हलाला भी, एक पैसा का भी लागत नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला की कृपा से देखिए, हम हज भी किया, उमरा भी किया। अल्लाह सुबहान तआला दया से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान तआला का हम शुक्रगुजार हूँ, और हम अल्लाह सुबहान तआला का हम बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सुबहान तआला हमारे ऊपर कितना रहमान और रहीम है और करीम है। तो तमाम गैर मुसलमान माता एवं बहन एवं दीदी एवं भाई एवं पिता सबको मैं इस्लामी तरीक़ा से सलाम करता हूँ। आप लोग दीन इस्लाम में आइए। दीन इस्लाम एक इंसानियत का मजहब है, एक शांति का मजहब है, एक भाईचारा का मजहब है। हमारा एक ही धर्म है दीन इस्लाम। ये हमारा धर्म बहुत पुराना धर्म है। जैसे आप लोग बोलते 5000 पहले धर्म है, ये 5000 पहले से भी ज़्यादा पहले का धर्म है इस्लाम। इससे पहले जितना भी अल्लाह सुबहान तआला जितना भी किताब भेजा, जितना भी ग्रंथ भेजा, इसको सही साबित नहीं समझा, सही नहीं समझा। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आगे आखिरी पैगंबर दुनिया में आए और अमन चमन फैलाए और हर एक कौम के लिए आए और हर एक कौम को यही समझाए कि हमारा ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, रब एक है, खुदा एक है। एक ईश्वर की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करो, एक भगवान की इबादत करो, एक रब की इबादत करो। तो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतारा माह रमजान में, और इसका हिफाजत भी आखिरत के दिन अल्लाह सुबहानहू तआला ही करेगा। तो आप लोग से यही गुजारिश है मेरा कि आप लोग का जैसे देखिए, कोई भी आदमी अगर मर जाता है तो ये आग को देखते हैं। ये आग तो छोटा सा आग है, एक नमूना आग है, लेकिन जहन्नम का आग को देखिए, नर्क का आग को देखिए, वो बहुत खतरनाक आग है और बहुत दर्दनाक आग है। तो आप लोग ईमान लाइए और स्वर्ग में रहिए और आपको स्वर्ग प्राप्ति होगा अल्लाह सुबहान तआला के फजल करम से, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कुरान मजीद में कि जो हम पर ईमान लाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, कुरान मजीद पर ईमान लाता है, हम उसके लिए इतना खूबसूरत स्वर्ग बनाया है, इतना खूबसूरत स्वर्ग बनाया है कि उसके रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, हर चीज़ का व्यवस्था, हर चीज़ का साधन है और अमन चैन का स्वर्ग है। तो इसीलिए हमें एक अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए, एक ईश्वर पर ईमान लाना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी पैगंबर है, इसके बाद हमारा कोई पैगंबर नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मानना चाहिए, क्योंकि देखिए जितना भी पहले जितना भी किताब बना सब में भी यही बात लिखा हुआ है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, रब एक है, खुदा एक है। भाषाएं अलग अलग है लेकिन ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। तो हमें एक अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी पैगंबर है, इसके बाद पे हमें चलना चाहिए, इसे हमें मानना चाहिए। और अल्लाह सुबहान तआला रहमान रहीम है, करीम है। जैसे आप लोग ईमान लाते हैं वैसे ही आपको जितना भी अगला पिछला जितना भी पाप होता है सब कुछ अल्लाह सुबहान तआला एकदम साफ कर देता है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है उस तरह से आप हो जाते हैं। तो देखिए अल्लाह सुबहान तआला कितना फजलो करम है, अल्लाह सुबहान तआला का कितना रहमान रहीम है अल्लाह सुबहान तआला। तो हमें ये अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए और
उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए। और जितना भी ग्रंथ बना है, जितना भी वेद बना है, सब में यही लिखा हुआ है, एक ईश्वर पे ईमान लाना चाहिए, एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, एक अल्लाह की पूजा करना चाहिए, एक अल्लाह की उपासना करना चाहिए। जितना भी वेद बना है सब में यही लिखा हुआ है, अजुर्वेद, ऋग वेद, सास वेद, अजुर्वेद, जितना भी वेद बना है सब में यही लिखा हुआ है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, एक की पूजा करो, एक की उपासना करो, एक की प्रार्थना करो, एक की इबादत करो, इसके सिवाय हमारा कोई माबूद नहीं है। कि हम आप जो जितना 33 करोड़ देवी देवता का पूजा करते हैं ये माबूद नहीं है, एक ईश्वर हमारा माबूद है, एक ईश्वर हमारा खालिक है, एक हमारा, एक ईश्वर हमारा मालिक है और कयामत के दिन का हकीम है। एक ईश्वर पर ईमान लाइए, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाइए और कुरान मजीद पर ईमान लाइए। और कुरान मजीद हर एक को हम पढ़ सकता है और इसको समझ सकता है, जान सकता है। और देखिए जितना भी मुसलमान भाई है सबके दिल में कुरान है और सब आदमी पढ़ते हैं, मस्जिद में आते हैं, सबको कुरान, सब आदमी कुरान पढ़ते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये गरीब है तो ये नहीं पढ़ सकता है, ये अमीर है तो ये नहीं पढ़ सकता, ये छोटा है तो ये नहीं पढ़ सकता है, ये नीच जाति है तो ये नहीं पढ़ सकता है, वो छोटा जाति है तो ये वो नहीं पढ़ सकता है, वो दलील है तो वो नहीं पढ़ सकता है, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में हर एक आदमी, अमीर हो या गरीब हो या फकीर हो या रंग हो या राजा हो, सब आदमी कुरान मस्जिद पढ़ सकता है और सब आदमी एक साथ में नमाज पढ़ता है और एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो देखिए इस्लाम में बहुत बड़ा फजीलत है और इस्लाम एक अमन चैन का मजहब है, इस्लाम एक शांति का मजहब है, एक इंसानियत का मजहब है, एक भाईचारा का मजहब है। तो आप लोग से मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आखिरत के बारे में सोचिए आप, या दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग दुनिया, आप लोग के लिए बस दुनिया ही स्वर्ग है, आखिरत में स्वर्ग नहीं है। और आप जैसे ये मान लाते हैं वैसे आपके लिए दुनिया में भी स्वर्ग है, आखिरत में भी स्वर्ग है। आप दुनिया में भी अमन चैन से जी सकते हैं और आखिरत में भी अमन चैन से रह सकते हैं और अल्लाह सुभान व तआला आप लोग के लिए ऐसा स्वर्ग बनाया है कि वह वहाँ आप हमेशा के लिए आप बेइज्जत रहेंगे और अच्छा खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, मौज करेंगे और अमन चैन से रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।